आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे आज तीसरा दिन है बड़े मियां छोटे मियां का, और तीन दिनों में ये फिल्म कितना बिजनेस कर लेगी इंडिया से, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पहले दिन नेशनल हॉलीडे यानी ईद के दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ का बिजनेस किया। निर्माता की तरफ से 1 करोड़ ज़्यादा बढ़ा के बताया गया, यानी 16 करोड़ ऑफिशियल फिगर आया, लेकिन जो ट्रेड का फिगर है वो 15 करोड़ है पहले दिन का। और दूसरे दिन यानी बासी ईद, इस दिन भी दोस्तों पब्लिक फिल्म देखने नहीं आई और 7.5 करोड़ का बिजनेस हुआ, यानी 2 दिनों में 22.50 करोड़ ये फिल्म कमा चुकी है दोस्तों, जिसमें 3 से 4 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ बुकिंग किया गया है। चलो मान लेते हैं भाई बिजनेस है, और बिजनेस में दोस्तों क्या सही क्या गलत, तो 22.50 करोड़ ये फिल्म कमा ली है अपने पहले 2 दिनों में। और आज सैटरडे है, जब बासी ईद को पब्लिक नहीं आई तो फिर सैटरडे को पब्लिक कहाँ से आएगी। आज भी दोस्तों 7.5 से 8 करोड़ का बिजनेस होगा, यानी 30.50 करोड़ ये फिल्म 3 दिनों में कमा लेगी। उसके बाद कल संडे होगा और कल भी सेम नंबर आएगा 8 करोड़ के आसपास, यानी 38 करोड़ ये फिल्म 4 दिन में कमा लेगी। फिर मंडे से क्या होगा, चलो हम मान लेते हैं कि भाई संडे तक ये फिल्म 40 करोड़ कमा लेती है, 40 करोड़ संडे तक, फिर मंडे से ये फिल्म ऐसी गिरेगी कि इंडस्ट्री पूरी शॉक हो जाएगी। हालांकि इंडस्ट्री वैसे भी शौक है, मैं शौक में नहीं हूं क्योंकि मुझे पहले से पता था कि अक्षय पाजी का पोटेंशियल कितना है। इस फिल्म का ट्रेलर, गाने एकदम वाही आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर गाने की तारीफ़ कर रहे थे, ट्रेलर की तारीफ़ कर रहे थे। मैंने कहा था भाई कि ट्रेलर इंटरेस्टिंग नहीं है, ट्रेलर में वो बात नहीं है जिससे देखकर हाइप बने, पब्लिक थिएटर आए। तो किसने किसकी बात सही हुई अब बताएं कमेंट करके आप लोग। मैंने जो बोला था वो सही हुआ, जो आप लोग इतने दिनों से कमेंट करके बता रहे थे कि तुझे फिल्म का कुछ भी नहीं पता है, इतने बड़े स्केल की एक्शन फिल्म है, ओपनिंग ही 40 करोड़ की हो जाएगी। भाई यहाँ संडे तक 40 करोड़ होगा कि नहीं होगा, आप लोग ओपनिंग 40 करोड़ करा रहे थे, यानी ये बहुत बड़ी अक्षय कुमार की करियर की ये बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी दोस्तों। लगातार 7 से 8 डिजास्टर आ चुकी है और उसमें ये भी ऐड हो गई है, और भी बहुत सारी फिल्में आएगी उसमें भी बहुत सारी फिल्में डिजास्टर होगी, जो मल्टी कास्ट फिल्म है, फ्रेंचाइज फिल्म है, वो जैसे तैसे बच जाएगी। लेकिन बाकी की फिल्में दोस्तों, जैसे सरफिरा हो गई, ये सारी फिल्में मुझे नहीं लगता है कि अब चलेगी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है और पब्लिक वही फिल्म देखेगी जिसे देखकर पब्लिक को लगेगा भाई कि मतलब कि पैसा वसूल फिल्म है, और अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर पब्लिक हल्के में ले रही है, तभी तो ये फिल्म 4 दिन में 40 करोड़ कर रही है। नहीं तो ये डे वन पे 40 करोड़ नहीं करती। अगर इसी फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान होते तो डे वन बिजनेस क्या होता, लाइफ टाइम कुछ भी हो जाए कंटेंट पे। लेकिन डे वन तो अच्छा आता ना, यहाँ ईद और बासी ईद दोनों दिन बेकार गए, और आज भी बेकार गए, और संडे भी कुछ नहीं होगा, और मंडे से 2-3 करोड़ पे ये फिल्म आ जाएगी, 3-4 करोड़ पे आ जाएगी। बहुत बड़ी डिजास्टर रही फिल्म दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आप बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, ट्रैकर बता रहे हैं कि आज 8 करोड़ होगा, कमेंट करके बताएं। पहले दिन 15 करोड़, दूसरे दिन 7.5 करोड़, आज 8 करोड़, टोटल 30.50 करोड़, 3 दिन में ट्रेड फिगर है ऑफिशियल। आप पकड़ लें कि 32 करोड़ हो जाएगा 3 दिनों में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद आप सभी का।